क्या एनर्जी है ये कैंपेन जो गेल ने अभी अभी लॉन्च किया है, और इसी मौके पे हम लोग दिव्या जी जो हमारी लीड एक्टर हैं फॉर द सीरीज उनके साथ आपके सामने हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि ये जो वाह क्या एनर्जी है जैसा लोगो भी बना हुआ है उसमें एक पाइपलाइन जा रही है, तो जाहिर है एक पाइप के ज़रिए एक पूरे देश को जोड़ा जा रहा है। इस पाइप से नेचुरल गैस लोगों तक पहुंच रहा है और गेल इज़ द लीडर इन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस हमारे घरों में तीन चार तरीके से पहुंचती हैं, घरों में और फैक्ट्रीज में। एक होता है पाइप नेचुरल गैस जो घर में किचन में खाना पकाने के लिए जो गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारे घरों में ऑलरेडी मौजूद हैं, बाकी घरों में पहुंच रहे हैं। तो पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी एक प्रोडक्ट है। एक और प्रोडक्ट है पीएनजी का ही एक और वर्जन है जिसको बोलते हैं कमर्शियल पीएनजी, जिसको कहते हैं वो सीपीएनजी कहते हैं उसको। वो भी पाइपलाइन वाली गैस है लेकिन वो शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, शॉप्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गैस जिसको जिनको ज़रूरत है उनके इस्तेमाल के लिए। और तीसरा प्रोडक्ट है इनका इंडस्ट्रियल पीएनजी जो कि फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, और वो बहुत बड़े पैमाने में वो सेटअप होता है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ आज के डेट पे इंडिया में चल रही हैं नेचुरल गैस से, जो जिनके बारे में आपको पता चलेगा अभी कुछ ही देर में। एक और जो इनका प्रोडक्ट है और चौथा प्रोडक्ट है वो है सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। सीएनजी के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हमारे व्हीकल्स में सीएनजी चल रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये सारे जो गैस हैं शायद बहुत कम लोग या ज़्यादा लोग नहीं जानते कि ये सारा कुछ गेल का ही सप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हमारे घरों में या सीएनजी जहां से आप लगवाते हैं या ओईएम्स जो गाड़ियों में सीएनजी लगाते हैं वो गेल के सारे सब्सिडीज जैसे एमजीएल बॉम्बे में हो गया, आईजीएल दिल्ली में हो गया, उनके थ्रू गेल सप्लाई करती है। अभी इम्पॉर्टेंट ये हो गया था आई थिंक ये कैंपेन का जो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो ज़रूरत ही हो गई थी कि अब रिटेल में गेल अपने आप को कंज्यूमर्स के समक्ष रखे और सबको पता चले कि नेचुरल गैस ही एक वो फ्यूल है, यही एक वो एनर्जी है जिसको हम कह रहे हैं वाह क्या एनर्जी है, जो सबसे लीस्ट पोल्यूटिंग है, सबसे कन्वीनियंट है, सबसे अफोर्डेबल है। तो हमने इसके लिए एक कॉइन भी किया कि सेफ, साफ और स्मार्ट, जो आप देखेंगे हमारे हमारी जो फिल्में हैं वो जब आप देखेंगे उनका आपको समझ में आएगा कि सेफ क्यों है, साफ क्यों है और स्मार्ट क्यों है। ऑल्सो सबसे किफ़ायती भी है। तो अगर आप कोई किसी भी आंकड़े में, किसी भी पैरामीटर में इसको आके, इट इज़ द बेस्ट एनर्जी टू यूज़, और ये फ्यूचर की एनर्जी है। ये मतलब प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी है, इनफैक्ट आ गई है हमारे घरों में, हमारी गाड़ियों में चल रही हैं। और इसी को समझाने के लिए आई थिंक गेल ने हम लोगों को कमीशन किया कि ये कैसे हम क्रिएटिवली सबके सामने ये ला पाएँ। उसके लिए हमने सोचा कि एडवर्टाइजिंग जो एक माध्यम होता है और आप विज्ञापनों के माध्यम से बहुत कुछ समझा सकते हैं, बट यहाँ पे ना बहुत सारी कहानियाँ थी, और हमने जब लोगों से बात की और समझ में आया कि कितनी कहानियाँ हैं और कितनी कहानियाँ हम कह सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एनर्जी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों अब उसे यूज़ करना चाहिए, अब हमें स्विच कर लेना चाहिए इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए। उसके लिए हमें लगा कि छोटी छोटी ही सही लेकिन एपिसोडिक कहानियाँ अगर हम कहेंगे, आजकल लोग एपिसोड्स देखने में कंटिन्यूस अपने फ़ोन पे या कहीं पर वो देखते ही रहते हैं, कंटेंट का कंजम्पशन ऐसा है कि लोगों को अच्छा लगता है एपिसोड्स देखना और कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप कनेक्शन बनाना। तो इस वजह से हमने सोचा कि अगर एक फैमिली हो और वो पूरी फैमिली, जैसे आप लोग ब्रांड एम्बेसडर समझते ही हैं कि एक ब्रांड के एम्बेसडर होते हैं, तो एक फैमिली अगर ब्रांड एम्बेसडर हो, और इंस्पिरेशन आया वागले की दुनिया से, इंस्पिरेशन आया मालगुडी डेज से, इंस्पिरेशन आया रजनी से, जो सारे सोशल यू नो सोशल मिलियू के और सोशल
एक्टिविज्म कह लीजिए या सोशल कॉजेज़ कह लीजिए, उनको दर्शाने के लिए जो एंटरटेनमेंट का माध्यम यूज़ किया जाता है, हमने सोचा उसी तरह से क्यों ना, क्योंकि हर कोई इसका कंज्यूमर है। एनर्जी ऐसी, ये ऐसी एनर्जी है कि हमें खाने से लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना हो या अपना कोई भी कुछ भी चलाना हो, आज के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, ईंधन इतना इम्पोर्टेंट है कि उस ईंधन की अगर बात करें तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक कॉलेज जाता हो या स्कूल जाता हो, बच्चा क्यों ना हो, उसके पेरेंट्स क्यों ना हो, एक फैक्ट्री का वर्कर क्यों ना हो, एक एम्प्लॉई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो, सबके लिए ज़रूरी है जानना कि ये किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल को बदलने की अब ज़रूरत है। क्योंकि आज हम क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहे हैं, आज हम बहुत सारी विपत्तियों से गुजर रहे हैं पूरे पूरे विश्व में। यही एक तरीका है जो बहुत ही अगर हम सुचारू तरह से इसको आगे बढ़ाएं और हम अडॉप्ट करें इसको, एक होलसम लार्ज स्केल वे में, तो ही हम अपने जो पोल्यूशन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, देखिए हम प्लांट तो लगा लेंगे, हम चलो गाड़ी 2 दिन नहीं चलाएंगे, वॉक कर लेंगे, लेकिन ईंधन को कभी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आज के ज़माने में हम लोग ऐसे हैं कि ईंधन के बिना हम चल नहीं सकते, तो ईंधन को ही लीस्ट पोल्यूटिंग होना ज़रूरी है सबसे पहले, और यही गेल का प्रायोरिटी है। इसी वजह से ये प्रारंभ हुआ है कि ये वाला कैंपेन हम लोग आप लोगों के सामने लाएं, और अब आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये, वह क्या एनर्जी क्या है, क्यों है। सर ऑल्सो जितनी हमने फिल्में देखी है उसके अंदर एड कहेंगे हम, एड जो है कहीं ना कहीं 10-15 सेकंड 20 सेकंड की होती है, जी हमने देखा कि 2.5 से 3 मिनट की बनाई है आपने एड, थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि इतनी लंबी बनाई है आपने, और साथ ही अगर एसोसिएशन के बारे में बताए कि गेल के साथ कैसे एसोसिएशन हुआ, कैसे आपको अप्रोच किया गया, और कितना चैलेंजिंग था कि इसको एंटरटेनिंग वे में लोगों तक प्रस्तुत किया जाए। 3 सवाल है, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। एक्चुअली 3 नहीं, 5 से 6 मिनट के एपिसोड्स हैं। तो यही मैंने आपको कहा कि एक्चुअली हमें कहानियाँ कहनी थी, और कहानियों के माध्यम से समझाना था कि ये प्रोडक्ट क्या है। सिर्फ प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहें तो 1-1.5 मिनट काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप किसी के मन में आपको बसना हो, अगर आप प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, या कोई लव स्टोरी ही क्यों ना हो, या कोई कॉमेडी ही क्यों ना हो, अगर आपको किसी के मन में बसना है तो आपको वो मन में घर करने के लिए जितनी कहानी आपको कहनी पड़ेगी, जो कैरेक्टर्स को जो चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसका वक्त आपको देना पड़ेगा। तो हमें लगा कि आज के कंटेंट के ज़माने में एक्चुअली एडवर्टाइजिंग और कंटेंट के बीच में वो लाइन जो है थोड़ी सी ब्लर हुई है, और उसका हमने एडवांटेज लिया। हमने गेल के लिए ही, आपने पूछा गेल ने कैसे अप्रोच किया, हमने गेल के लिए ही हवा बदले हस्सू, चंदन रॉय सान्याल जी के साथ, विक्रम कोचर, स्मिता तांबे के साथ एक मिनी सीरीज़ किया था बहुत पहले 2019 में, और वो भी ऐसे ही मिनी सीरीज़ टाइप का था, और उसका खैर एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा ताल्लुक़ था। इस बार जब हमें अप्रोच किया गया कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो हमने कहा कि हम ऐसा ही कुछ करें कि कहानियाँ छोड़ जाएँ लोगों के दिल में, तो वो याद करेंगे, वो कैरेक्टर्स याद करेंगे, जो मिसेस मिश्रा हैं उनको याद करेंगे, मिस्टर मिश्रा श्रीकांत जी हैं जिन्होंने बखूबी निभाया है, लव हैं जो वरुण का रोल कर रहे हैं, अहमद खान जी हैं जो दादाजी का रोल कर रहे हैं, तो ये सब कैरेक्टर्स आप जाने माने भी हैं और आपके चहेते भी हैं, तो ये कैरेक्टर्स के थ्रू से जब आप कहानियाँ बोलते हो तो वो रिटेंशन जो है कहानियों की वो बेटर होती है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा देखा भी गया है। और इस तरह के कई शोज़ हैं, आप चाहे आप कोटा फैक्ट्री लीजिए, कोई दे स्टार्टेड विद अ ब्रांड और उसके बाद वो दिलों में घर करने लगी, फिर सीज़न दर सीज़न चलता रहा। तो ऐसे ही हमारा भी प्रयास था कि छोटे पैमाने पे हम ये बड़ी बात कह सकें, और आई होप कि ये मतलब ये प्रयास सक्सेसफुल रहेगा। दिव्या मैम कैसे ऑन बोर्ड आया, उस बारे में कुछ बताया, और दिव्या मैम कैसा एक्सपीरियंस था इस एड का? सर सबसे पहले दिव्या मैम हमेशा से ऑन बोर्ड थी।
यहाँ पे क्योंकि क्योंकि आपको अगर ये तीन चार कैरेक्टर्स दिखेंगे, बहुत मतलब टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आजकल दिखते नहीं है कैरेक्टर्स, है ना। ये कैरेक्टर्स बहुत पहले 80s 90s में DD में हमें दिखते थे, आजकल ये नहीं दिखते हैं। आजकल बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स दिखते हैं, बट ये टिपिकल कैरेक्टर्स, जैसे दिव्या मैम के लिए मेरा ब्रीफ मेरे दिमाग में और हमारी क्रिएटिव टीम के दिमाग में रजनी था, प्रिया तेंदुलकर जी जो जीती थी वो कैरेक्टर। तो एक एक क्वर्क, एक एक्सेंट्रिसिटी, एक मतलब अब इंडिपेंडेंस, हाउसवाइफ भी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की भी कोशिश कर रही हैं, घर घर को भी संभाल रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं, थप्पड़ भी मार रही हैं। तो वो जो मतलब वो ऑलराउंड एक एक क्वालिटी थी ना, जो एक रजनी जैसे कैरेक्टर में था, वो हम ढूंढ रहे थे। वो तो हमारे लिए फर्स्ट और लास्ट चॉइस थी दिव्या, क्योंकि इनका थिएटर भी हम बहुत देख चुके हैं, इनका काम तो फिल्मों में देख ही चुके हैं। तो इनसे हम कांटेक्ट में इसलिए हैं, विनीत कुमार, विनीत भैया हमारे बहुत करीबी मित्र एक्टर हैं जो विनीत कुमार जी, उनके ये दोस्त हैं, तो उनके थ्रू इनसे मुलाकात हुई और हमने इनको कहा कि आप स्क्रिप्ट पढ़िए, इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, तो काइंडली शी केम इनटू दिस कैंपेन। तो हम तो कहेंगे कि ये जो जितनी भी कास्टिंग थी, अगर आप गेल में भी किसी से, गेल के टीम से पूछेंगे, पहली कास्टिंग है और पहली ही अप्रूव हुई थी, और उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। श्रीकांत जी एज मिस्टर मिश्रा, दिव्या जी एज मिसेज मिश्रा, और लव एज वरुण, ये पूरी, और अहमद जी एज दादाजी, ये पूरी कास्ट एक बार में और एक बार में थ्रू हुई है। और जो हमने स्क्रिप्ट में सोचा कि ये कैरेक्टर करेंगे, वो उन्होंने मतलब पर्दे पे वो ले आए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जब आपको अप्रोच किया गया था कि इस तरह का किरदार निभाना है, लेकिन सोशल वे में खुद को एक्सप्रेस करना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ ब्रेक मिला था सर की तरफ से? हाँ, पहले तो मैं बोलूँ, इतना जो इन्होंने डिटेल में कास्टिंग के बारे में बोला, उतना मुझे पता नहीं था, बट अच्छा हुआ मुझे पता चला अभी कि आई वॉज फर्स्ट एंड द लास्ट प्रेफरेंस, और वो मेरे ख्याल से बहुत रेयर होता है किसी भी एक्टर की जिंदगी में। हमारे लिए भी रेयर होता है कि क्लाइंट भी और सब लोग एक एक मत हो किसी चीज में। हाँ, वो भी है वरना यू आर वन ऑफ द मेनी चॉइसेस। तो ये अच्छा एक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और हाँ, जैसे आपने कहा कि एक सोशल मैसेज है, उसके थ्रू आपको अपना अभिनय एक्सप्रेस करना थ्रू अ शॉर्ट स्टोरी, तो मेरे हिसाब से तो वी ऑल, यू नो, हम इस कमरे में जितने लोग हैं, हम सब लोगों को पॉल्यूशन कैसे कम करना है खुद दिमाग में सोचना ज़रूरी है। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए या पॉल्यूशन कम करने के लिए, सब इट्स ऑल वेरी इंटरनल। और मेरे हिसाब से मेरे लिए भी एक यही प्रयास था कि जब इन्होंने मुझे कहा, मुझे पता था कि फिल्म किसके बारे में है, और एंड आई वॉज हैप्पी टू कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि AC कितने दिन, कितने टाइम ऑन रहना चाहिए, कब बंद करूँ, मैं कहाँ कचरा फेंकूँ, कहाँ क्या करूँ, 10 किलोमीटर तक मैं किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ बिना कुछ कहे, किसी से उम्मीद किए, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एनवायरमेंट की तरफ। तो उसी तरह से मेरे पास एक स्किल सेट है अभिनय, और आई वॉज वेरी हैप्पी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट, क्योंकि अगर ये स्टोरी से, इस कहानी से, ये जैसे उन्होंने कहा कि ये ब्रांड एम्बेसडर अगर है, तो इन ब्रांड एम्बेसडर्स की वजह से लोगों के घरों तक एक कुछ मैसेज पहुंच जाए और लोग हमको, हमारी वजह से कुछ सोचने लगें, कुछ विचार करें, और खुद आप इस बात को कि पॉल्यूशन कैसे कम करें, या गेल की तरफ से जो ये इनका जो अटेम्प्ट है कि हम CNG और PNG एंड यू नो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे घर में तो है ही, पर सब लोग अगर बदलें इस LPG से, यू नो, दे गो टूवर्ड्स दिस मोर इको फ्रेंडली, यू नो, सोर्स ऑफ फ्यूल, इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू नो दैट किसी ने इस पृथ्वी पर अपना बोझ कम करने के लिए कुछ किया और ये कंट्रीब्यूशन होता रहे आगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो आई वाज हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू दैट। एज एन एक्टर, जब आपने ये सीरीज कर ली, उसके बाद क्या आपको ऐसी कोई चीज थी जो आपको पता ना हो PNG CNG के बारे में, अगर कुछ शेयर करें जो आपको बाद में पता चली हो? नहीं, मतलब टेक्निकली